जिस बटन पतझड़ के उपवन में रहकर भारत को मधुमास दिया, लोकतंत्र के मूल्यों को नव एक अटल विश्वास दिया। मैंने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कि जो मानस पुत्र के दायित्व हैं, एक पिता के प्रति मैं, मेरे वो पिता हैं, मानस पिता हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा, देख रेख करूंगा और उनकी जो जो भारतवर्ष में वैदिक परंपरा में संस्कार है मैं अंतिम संस्कार भी करूंगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की संपत्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं मानस पुत्र हूँ और मैं उनके राष्ट्रवादी संकल्पों से इतना प्रभावित हुआ 28 मई 1996 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी। उनका कंठ अवरुद्ध था, उनकी मैंने उस आवाज़ को मैंने जब सुना तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए, जबकि मैं उसमें कक्षा 10 का विद्यार्थी था। धीरे धीरे मैं उनके उन राष्ट्रवादी सिद्धांतों पर इतना प्रभावित मैं हो गया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी पर मैंने 2005 में दृष्ट अटल प्रबंध काव्य राष्ट्रवाद का लिखा गया है, जो भारतवर्ष में ऐसा भी नहीं लिखा गया है, ऐसा मेरा विश्वास है। 2016 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से जब मैं मिला, उनके दृष्ट संपादन ने मुझे अपना मानस पुत्र माना है। उनकी आंखों में आंसू थे और मेरे भी आंखों में आंसू थे। अनवरत मैं 2016 से मिलता चला रहा हूँ। अभी मैं अप्रैल में गया, मुझे मना कर दिया गया बीमार। जब मैं सुना एम्स में, तो मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की। बचपन से ही अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर एक व्यक्ति खुद को उनका मानस पुत्र लिखते हैं। इतना ही नहीं, अपने घर में उनकी तस्वीर रख प्रतिदिन उनकी पूजा भी करते हैं। इसी के साथ उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व के ऊपर एक पुस्तक गृहस्थी अटल भी लिखी है। हाल ही में जब उनकी तबीयत खराब हुई और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया तो ये व्यक्ति उनसे मिलने पहुंच गए, लेकिन इनको मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर खुद को उनका मानस पुत्र घोषित किए जाने की दरखास्त की। इसी के साथ उन्होंने बताया कि मुझे उनकी ज़मीन जायदाद से कोई मतलब नहीं है, उनकी सेवा करना ही एकमात्र मेरा उद्देश्य है। बता दें कि मूल रूप से ये व्यक्ति हरदोई के निवासी हैं और इस समय लखनऊ हाईकोर्ट में वकालत कर रहे हैं। हरदोई से ईटीवी के लिए आकाश शुक्ला।